नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, फिरोजाबाद शिखर जी बचाओ आंदोलन के संबंध में फिरोजाबाद में निकाला गया विशाल मौन जुलूस। फिरोजाबाद आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज के आह्वान तथा आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज तथा आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में रविवार को शिखर जी बचाओ आंदोलन के संबंध में एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज उपस्थित रही। जुलूस प्रातः अट्टावाला जैन मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर, गंज चौराहा, सेंट्रल चौराहा, गांधी पार्क चौराहा होते हुए श्री छदामीलाल जैन मंदिर में तक निकाला गया। इसके बाद जैन मंदिर पर सिटी मजिस्ट्रेट को शिखर जी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। साथ में लगभग 10 जैन साधुओं ने जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस में नगर की समस्त जैन समाज उपस्थित रही। जुलूस में पुरुष वर्ष सफ़ेद तथा महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर हाथों में काली पट्टी बांधकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया। संदर्भ में निकाला है, क्या मांग है आपकी? एक तो आज 25 दिसंबर को, इससे पहले भी एक रैली निकाली गई थी समाज द्वारा 18 तारीख को, उसमें हमने 25 तारीख का सरकार को एक आश्वासन लेटर दिया था, ज्ञापन दिया था, जिससे हमें ये जानकारी मिलनी थी कि हम क्या क्रियाएं कर रहे हैं। वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई। हमें भ्रमित एक चैनल द्वारा करा गया कि साहब झारखंड सरकार ने ये पर्यटन स्थल जो शिखर जी को बनाया जा रहा है उसको नियंत्रण में लेने के लिए 17/1 की तारीख दी थी, पर वो अफवाह निकली, इसलिए आज दोबारा प्रदर्शन कराया जा रहा है। इसमें आज अनेक साधुओं का मिलन हुआ है और आज ये बहुत बड़े रूप से रैली निकाली गई है। इसमें कोई नारेबाजी नहीं है, मौन जुलूस निकाला जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार तक, यूपी सरकार तक, जितनी भी सरकारें हैं वो सभी ये चीज़ देखें कि जैन समाज किसी भी रूप में कोई चीज़ चाहता नहीं है, हर चीज़ में सक्षम रहता है हर सरकार को मदद करने के लिए। इस बार ऐसा हुआ जा रहा है कि हमें खुद सरकार से मांगना पड़ रहा है। अगर आंदोलन आपका किस तरह से चलेगा और क्या आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करें? कोई मांग नहीं है, सिर्फ हमारा तीर्थ क्षेत्र संबे शिखर जो पर्यटन स्थल उन्होंने घोषित करा है उसको तीर्थ स्थल करके हमें घोषित किया है जैन तीर्थ स्थल के नाम से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो किस तरह का आंदोलन? हमारा ये आंदोलन हर रविवार को होगा, अगर नहीं मानेगी तो फिर आगे चल के और बड़े रूप से मनाया जाएगा।